सही बुखारी की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे भारी नमाज जो मुनाफिकों के लिए होती है वो फजर की नमाज़ और ईशा की नमाज़ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वलो यालमो न अगर इन दोनों को मालूम होता कि दो नमाज़ों में क्या है वो आते रेंगते हुए भी आना पड़ता तो आते आप खुद सोच, सोच सकते हैं कि रेंगने में कितनी बड़ी तकलीफ़ है कितनी बड़ी मशक्क़त है रेंगते हुए जाना क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम अपने घर के करीब की मस्जिद तक रेंगते हुए जा रहे हैं लेकिन अगर मालूम होता कि वहाँ पहुँचने में कितना बड़ा फ़ायदा है तो रेंगते हुए भी जाते तो मेरे भाई अमी बहने हम खुद जायज़ा लें बहनों को भी मैं उभारूँगा कि अपने शोहरों को अपने बच्चों को अपने बेटों को उभारें अपने भाई को कि वो लोग नमाज़ के लिए मस्जिद में जाएँ